उत्तराखंड को केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां केदार पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वृद्ध और बीमार लोग भी बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं, तो वे स्थानीय मजदूरों द्वारा घोड़े पालकी या डंडी से ढोए जाते हैं। सुबह सवेरे घोड़ों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ और घोड़ा पालकी मजदूरों का शोर आपको बरबस नींद त्यागने को मजबूर कर देगा। तो वहीं उच्च हिमालय, जहां प्राण वायु ऑक्सीजन भी ना के बराबर है, वहां इंसानों को ले जाने वाले पशु और मजदूर के जीवन की कठिनाइयों पर सोचने को भी विवश करता है। अब जब ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं केदारनाथ की, तो यात्रियों को लेके, तो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं इस व्यवसाय में? बारिश के मौसम में आती हैं ज़्यादातर, पत्थर गिरने का भय होता है और ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ यहाँ पर। और आप इन 6 महीनों में कितना कमा लेते हैं? 6 महीनों में कमा लेते हैं करीबन 40,000 रुपये। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में काम करते हैं 4,000 से ज़्यादा घोड़ा और इतने ही पालकी मजदूर, जो 9,000 फीट से 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक ढोते हैं इंसानों को। जैसे कि सरकार और दूसरे जनप्रतिनिधि और ये लोग जो है, उनके कहना है कि वहाँ पर रोड़े होनी चाहिए, लोगों को बस से या उस जगह पर जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर 4,500 मजदूर आज के डेट पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के रोज़गार जुड़ा हुआ है, आजीविका जो है उनका, स्वास्थ्य से लेकर के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के घर के सारे खर्चे से लेकर के सारी चीज़ों के निर्भर उसी पर है, और खासकर जो गरीब तबका है उन्हीं कार्य में लगा हुआ है। उच्च हिमालय में मजदूरी करना कष्ट साध्य है, घोड़े हो या इनके साथ चल रहे मजदूर, सभी कष्ट उठाकर रोजी कमाते हैं। मुझे लगा उनको आदर और प्यारपूर्ण व्यवहार की जरूरत है। इनके आवास और रहने खाने के स्थान हो, चाहे सुस्ताने की जगह, वे साफ सुथरी और पर्याप्त हों तो यात्री और मजदूर दोनों को सुविधा रहेगी। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण चमोली से मैं लक्ष्मी नौटियाल।